Materials required are paper, pencil color, brushes of 3 different size, 8, 3 and 4, watercolor. हाय, आज हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे रेंडर करेंगे एक कॉटन साड़ी. सी थ्रू थोड़ा सा मल कॉटन साड़ी है जो आपने देखा होगा आजकल काफ़ी ट्रेंड में है. थोड़ा सा आर पार दिखेगा, मल फैब्रिक होता है कॉटन, उसकी साड़ी है. प्लस कॉटन ब्लाउज़ है जो कि अजरक प्रिंट जिसको बोलते हैं उस प्रिंट में है. तो चलिए हम रेंडरिंग शुरू करते हैं. बेस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं रेड वाटर कलर. हम ये प्योर रेड वाटर कलर जो है यूज़ कर रहे हैं बेस, एज अ बेस कलर फॉर द ब्लाउज़. और तो कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी रहेगी रेड कलर की. रेड हम ब्लाउज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे. सबसे पहले हम ब्लाउज़ के बेस को कलर कर लेंगे रेड कलर से. यहाँ पर हम ब्राउन कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं ब्लाउज़ के फोल्ड्स को रेंडर करने के लिए. आप कोई भी डार्क कलर एक्सेप्ट ब्लैक यूज़ कर सकते हैं. आप डार्क ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं फोल्ड्स को रेंडर करने के लिए. मैं यहाँ पे 00 ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ जो ब्लाउज़ में डिज़ाइन है इसको बनाने के लिए. ये अजरक प्रिंट है. अजरक में जो होता है वाइट और डार्क ब्लू, ब्लैक, इन कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है. तो बेसिकली जितना भी डिज़ाइन का आउटलाइन होगा वो हम वाइट पोस्टर कलर में थोड़ा सा येलो मिक्स करके कर रहे हैं और फिर उसको हम फिल कर रहे हैं डार्क ब्लू से. अगर आप डार्क ब्लू को यूज़ करेंगे तो आपको कहीं कहीं डार्क ब्लू का और कहीं कहीं ब्लैक का इफ़ेक्ट देगा. तो बस करना इतना है कि जहाँ पर आपको कम ब्लैक दिखाना है वहाँ पर थोड़ा कम ब्लू यूज़ करिए तो वो इफ़ेक्ट आपको दिक्कत आएगा. एक बार फिर लास्ट में जो है, क्योंकि हमने डिज़ाइन ड्रॉ किया है तो उससे जो हमने पहले फोल्ड दिया था वो बेस फोल्ड्स था. अभी आपको एक फ़ाइनल फोल्ड देना पड़ेगा सारे डिज़ाइन में ताकि आपके डिज़ाइन प्रॉपरली दिक्कत आए. जहाँ पर फोल्ड्स है वहाँ पर डिज़ाइन किस तरह से ऊपर नीचे जा रहा है वो दिक्कत आए, इसलिए हम फिर से यहाँ डार्क ब्राउन का यूज़ करके फोल्ड्स को जो है और प्रोमिनेंट करेंगे. साड़ी का बेस हम कलर कर रहे हैं वाइट में, थोड़ा सा ग्रे मिक्स करके उसको बहुत पानी करके उसको सिर्फ साड़ी को उससे पहले एक काइंड ऑफ वॉश दे देना है उस कलर का. अभी आप देखेंगे तो ये कॉटन साड़ी है, कॉटन कोटा साड़ी है. ऑलमोस्ट ग्रेश वाइट बेस है और यहाँ पर रेड कलर से जो है सारे डिज़ाइन ब्लॉक प्रिंटेड हैं. तो ब्लॉक प्रिंटेड डिज़ाइन की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि डिज़ाइन डिफाइंड होते हैं और मोटिफ जो होते हैं अगर आप बहुत क्लोज देखेंगे, हालांकि इलस्ट्रेशन में नहीं दिखता है लेकिन आप बहुत क्लोजली देखेंगे तो आपको दिक्कत रहेगा कि वो हाथ का काम है, क्योंकि डिज़ाइन हर जगह इवनली प्रिंट नहीं होते. कहीं ज़्यादा कलर दिखेगा, कहीं कम कलर दिखेगा, जो कि अपने आप में ब्लॉक प्रिंटिंग की खूबसूरती होती है. सो यहाँ पर हम जो रेड कलर यूज़ कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा हमने ब्लैक मिक्स किया है, बहुत थोड़ा सा, सिर्फ ऐसे आपको टच करना है अपना ब्रश ब्लैक कलर में. और ये डिज़ाइंस बनाने के लिए मैं साइज़ 3 ब्रश यूज़ कर रही हूँ. आप 00 यूज़ करिए अगर आप बिगनर हो तो. और क्योंकि मैंने कहा डिफाइंड डिज़ाइन है तो जहाँ जहाँ भी डिज़ाइन बहुत कॉम्पैक्ट है, छोटा सा है, आप उसको प्रॉपरली डिफ़ाइन करिए. लेकिन जहाँ भी आपको थोड़ा बड़ा डिज़ाइन दिख रहा है या बॉर्डर्स वगैरह दिख रहे हैं वहाँ डिज़ाइन बहुत डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ब्लॉक प्रिंटिंग में बहुत इंट्रिकेट डिज़ाइन होता है और उतनी इंट्रिकेसी में अगर आप जाएंगे तो आप इलस्ट्रेशन में रेंडर नहीं कर सकते हैं डिज़ाइन. सो जस्ट एज अ सजेशन, मतलब दिख कर आना चाहिए कि आपने बहुत इंट्रिकेट बॉर्डर बनाया है. तो आपको ऐसा सजेस्ट करना है, आपको ऐसा अपने कलर के थ्रू दिखाना है कि ये इंट्रिकेट बॉर्डर डिज़ाइन है या एक कॉम्प्लिकेटेड बूटी मोटिफ है. सो आप वीडियो को फॉलो करिए और आपको समझ में आएगा कि वो इफ़ेक्ट आप कैसे ला सकते हैं विदाउट ड्राइंग द एक्चुअल बॉर्डर और अ बिगर मोटिफ डिज़ाइन.
बहुत ज़रूरी है ब्लॉक प्रिंटिंग में डिज़ाइन डिटेलिंग को समझना। आप कहीं भी जहाँ पर जो भी आप डिज़ाइन ड्रॉ कर रहे हैं, अगर वहाँ बॉर्डर है तो उसको एज ए इंडिकेशन आप ड्रॉ करिए, चाहे वो 4 बॉर्डर हो या 2 बॉर्डर हो, या अगर वहाँ पे मोटिव कहीं ड्रॉ है तो आप उस मोटिव को दिखाइए, आप उसको स्किप मत करिए, क्योंकि उससे क्या होगा, जो इफ़ेक्ट है डिज़ाइन का चला जाएगा अगर आप डिज़ाइन स्किप कर बनाएंगे तो। शैडो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साड़ी में। अगर आप देखेंगे विदाउट शैडो ये साड़ी फ्लैट दिख रही है, पर जैसे ही हम शैडो ऐड करेंगे ये साड़ी में डेप्थ नज़र आना शुरू होगा। शैडो के लिए हम यहाँ पर ग्रे पेंसिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्राउन का इस्तेमाल कर रहे हैं और कहीं कहीं रेड का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये रेड साड़ी है। जब साड़ी रैप होगी तो वो रेड इफ़ेक्ट आपको प्रोमिनेंट तो नहीं, हल्का हल्का हर जगह नज़र आएगा, क्योंकि ये सी थ्रू साड़ी है, तो आपको वो सेम इफ़ेक्ट दिखाने के लिए वो रेड हम कहीं कहीं यूज़ कर रहे हैं। ग्रे का इस्तेमाल हम कर रहे हैं क्योंकि साड़ी का ओवरऑल टोन ग्रे है, इसलिए हम ग्रे शैडो का यूज़ कर रहे हैं। पर जहाँ में साड़ी में ज़्यादा फोल्ड आ रहे हैं वहाँ पर हम ब्राउन का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डार्क एरियाज़ हैं और उन एरियाज़ को अगर हम सिर्फ ग्रे से करेंगे तो वो डेप्थ नहीं आएगा। इसीलिए आपको ये तीनों कलर यूज़ करने हैं साड़ी को प्रॉपरली फोल्ड दिखाने के लिए, उसमें डेप्थ ऐड करने के लिए। होपफुली आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और नॉर्मली मैं बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड कपड़े बनाती हूँ, सो ज़रूरी है आप हर तरह के फैब्रिक की रेंडरिंग सीखें। जो लोग रिक्वेस्ट करते हैं मुझसे कि मुझे डिफरेंट फैब्रिक की रेंडरिंग सीखनी है, तो मैंने अभी तक फ़िलहाल अपने रेंडरिंग में बहुत सारे फैब्रिक बताए हैं और कॉटन भी अब इसमें जुड़ गया है। तो आप रेंडर करिए, अपने बनाए हुए डिज़ाइन शेयर करिए, आपको क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट्स में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।